जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं शीतला सप्तमी व्रत कथा। सावन मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शीतला सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा होती है। फिर अगले दिन शीतला अष्टमी यानी बसौड़ा पर्व मनाया जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस दिन का खास महत्व माना जाता है। इस दिन माँ शीतला को बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शीतला माता की पूजा से महामारियों से रक्षा होती है। कहते हैं जो व्यक्ति शीतला सप्तमी पर व्रत रखता है और माता शीतला की विधि विधान से पूजा करता है, उसे चेचक, बुखार, फोड़े फुंसी और आँखों से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। शीतला सप्तमी पर व्रत रखने वाले लोग जरूर सुने यह कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के इकलौते पुत्र को एक बार शीतला यानी चेचक निकली थी। उसी राज्य में एक काछी पुत्र को भी चेचक निकली हुई थी। काछी परिवार बेहद गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह बीमारी के दौरान भी पूजा पाठ के नियमों को अच्छे से निभाता रहा। उसके घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। विधिवत रूप से भगवती की पूजा भी होती थी। उस घर में नमक खाने पर पाबंदी थी। यहाँ तक कि सब्जी में छौंक भी नहीं लगता और न ही ज़्यादा भुनी तली चीज़ें खाता था। काछी गर्म वस्तु का सेवन स्वयं भी करता था और न ही शीतला वाले लड़के को देता था। इस तरह नियमों के पालन से उसका पुत्र बहुत जल्दी ठीक हो गया। वहीं उधर राजा ने भगवती के मंडप में सच्चंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोज हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजकुमार के शीतला होने के बावजूद राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ी रहती थी। तरह तरह के गर्म स्वादिष्ट पकवान बनते थे। सब्जी के अलावा कई तरह के मांस भी पकते थे, जिसके कारण उन लजीज पकवानों की सुगंध से राजकुमार का मन भाग जाता और वह भोजन के लिए जिद करते थे। इकलौता राजपुत्र होने के कारण उनकी हर जिद पूरी कर दी जाती थी। इसके बाद शीतला का प्रकोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे। उन फोड़ों में से खुजली और जलन तेज होने लगी। शीतला की शांति के लिए राजा के लाख प्रयास के बावजूद उनका प्रकोप घटने के बजाय बढ़ता गया, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के महल में सारे कार्य उल्टे हो रहे थे। इसके बाद राजा अधिक परेशान हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी कोशिशों के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। फिर एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, लेकिन वह अब बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा को हैरानी हुई कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मेरा पुत्र रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र तो बिना सेवा और पूजा के ही ठीक हो गया। यह सोते सोते उसे नींद आ गई। तभी श्वेत वस्त्रधारी भगवती ने राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हारा पुत्र अभी जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय
पालन करने वाले नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें इस हालत में नमक पर पाबंदी लगाना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली बढ़ जाती है। बिना छौंक वाली सब्जियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि छौंक के गंध से रोगी का मन ललचाता है। इसके अलावा रोगी को किसी के पास आना जाना भी नहीं करना चाहिए, इससे रोगों का संक्रमण फैलता है। अतः इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। सुबह उठते ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सब नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। इससे राजकुमार की सेहत में भी सुधार नजर आया, वह अंततः ठीक हो गया। शीतला माता की पूजा के अलावा इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी की विधिवत रूप से पूजन करके मध्यकाल में सात्विक चीज़ों के भोग लगाने की मान्यता है। इस तरह पूजन और कथावाचन से पुण्य की प्राप्ति और कष्टों का निवारण होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।